फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन होंगे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं दुर्गा माँ के मंदिर दुर्गन। यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो जो है ना, यहाँ का मंदिर माना जाता है, दुर्गन का मंदिर है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा छोटा था, अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है दुर्गन का मंदिर। तो बहुत बड़ा मंदिर हो चुका है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ मंदिर। और मुझे भी हो गए हैं 2 साल करीब नहीं गई हूँ वहाँ का मंदिर। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं और वहाँ का दर्शन कराते हैं दुर्गन का। तो आप लोगों से मैं, किस किस को पता है दुर्गन का मंदिर मुझे कमेंट करना। मुझे पता है यूपी से कई सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो बिलोंग करती हैं, तो ज़रूर बताना। और चलिए फ्रेंड्स, और हमारी अम्मा भी रेडी हो चुकी है, साड़ी पहनी हुई है। और ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। ये हमारी अम्मा की साड़ी है। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ वगैरह नहीं है, तो जो भी है वो सारी साड़ियाँ जो यहाँ पर रखे हैं वो ओल्ड हो चुकी हैं। तो ये मुझे अम्मा ने साड़ी दिया है पहनने के लिए, घूमने जाने के लिए। अच्छी लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई है साड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और आप लोग जो है वीडियो फुल वॉच करना और वीडियो को कट बिल्कुल भी मत करना, मेरे साथ चलते रहिए। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ आप लोगों को भी लेके चलूँगी और दुर्गा माँ का दर्शन कराऊँगी। तो चलिए, वैसे अंदर वीडियो बनाना मना होता है, लेकिन बाहर से मैं आप लोगों को दर्शन जरूर कराऊँगी, क्योंकि मंदिर में अंदर वीडियो नहीं बनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं दुर्गा माँ के मंदिर दुर्गन। चल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और ये हमारे गांव का ही ऑटो है, कहीं बाहर का नहीं है, तो गांव का ही ऑटो है, हमने बुक कर रखा था। तो चलिए चलते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चलिए माता रानी के दर्शन करने दुर्गा माँ का मंदिर में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रास्ता है और ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, लगभग फिर भी काफ़ी दूर हैगा, थोड़ा सा कम से कम 15 मिनट लग गए थे हमें ऑटो से जाने में, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए और मैं यहाँ पर म्यूजिक लगा लेती हूँ और आप लोग इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग दुर्गा माता मंदिर पहुंच चुके हैं दुर्गन। तो ये देखिए, और यहाँ पे कोई बड़ा मंदिर नहीं है, बस छोटा सा मंदिर है, आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। और ये मंदिर के बाहर जो मार्केट लगती है प्रसाद की, खाने पीने की, हर एक चीज़ की दुकान लगती है। और ये है सगरा, जो है दुर्गन का सगरा इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है दिन हाथ दिन स्नान करते हैं और माथा टेकते हैं स्नान करके, तो जिसको नहाना होता वो यहाँ पे नहाता भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जो है पैर धो लूँगी, हाथ धो लूँगी और थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लूँगी बस, तो हाथ पैर धो के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। और यहाँ पर मैंने हाथ पैर धो लिए और मेरी बेटी भी आई हाथ पैर धोने। तो यहाँ पे थोड़ा सा काई भी पड़ी होती है ना, तो फिसलने का थोड़ा डर होता है, इसलिए मैं आराम से खड़ी आराम आराम से गई थी नीचे। चलते हैं और आप लोग मुझे जरूर बताना कि दुर्गन आप लोगों में से कौन कौन जानता है यहाँ पे जो है गौरियन के पास।
और ये देखिए प्रसाद का जो है यहाँ पे लगे हुए दुकानें, सारी जगह पे प्रसाद की दुकानें लगी हैं। तो हम लोग भी चलिए चलते हैं, प्रसाद ले लेते हैं यहाँ पे एक दुकान से। तो बहुत सारी दुकानें लगी हैं प्रसाद की, और सारे बुलाते भी रहते हैं प्रसाद के लिए ले लिए। तो ये देखिए अब लोग, हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए प्रसाद लेने के लिए। तो किसकी दुकान पे जाए ये नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर चलिए चलते हैं। और हमने प्रसाद में नारियल और मिठाई में लिया था पेड़ा, क्योंकि पेड़ा शुद्ध होता है प्रसाद में चढ़ाने के लिए, तो इसलिए हमने पेड़ा लिया था। और प्रसाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे नारियल आपको छील के मिलेगा, छिलके वाला नहीं, तो आपको छिला छिला नारियल मिल जाता है। तो ये देखिए ये है अंदर का मंदिर, ये इतना ही छोटा सा मंदिर हैगा दुर्गा माँ का मंदिर अंदर, और ये बाहर का एरिया हैगा। तो अब हम लोग यहाँ पे धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है बाहर जलाना होता है, दुर्गा माँ के मंदिर के अंदर नहीं जलाने देते हैं, सिर्फ वहाँ पे मत्था टेकना होता है, प्रसाद चढ़ाना होता है। बाकी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कपूर सिंदूर जो भी चढ़ाना है सब कुछ बाहर आके चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग भी यहाँ पे जो है धूप बत्ती जलाएँगे और कपूर जलाएँगे, प्रसाद भी यहीं बाहर ही चढ़ाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं, और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के, और आप लोगों की मनोकामना पूरी हो, आप सभी की हर एक मनोकामना पूरी हो। तो चलिए और नवरात्रि में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, हम लोग तो मॉर्निंग में 7 बजे ही आ गए थे, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, काफ़ी लाइनें लगी होती है। तो अब हम लोग चल रहे हैं बाहर की ओर, तो एक द्वार जो है अंदर आने का होता है और एक द्वार जो है बाहर जाने का होता है, 2 द्वार बनाए गए हैं। चलिए बाहर चलते हैं। तो ये देखिए तो चलिए फ्रेंड्स घर चलते हैं वापस, मत्था टेक लिया है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, अब घर के लिए वापस जा रहे हैं, ऑटो में बैठ गए, उसी ऑटो में जिस ऑटो में हम आए थे उसी ऑटो से वापस जा रहे हैं घर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और कुछ नया लेके। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।